हेलो नमस्कार दोस्तों, बीएम अयोध्या चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। जी दोस्तों, आपने सही सुना। हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने खेतों का जो नक्शा है, भू नक्शा, आप कैसे देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप भू नक्शा निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो खेतौनी का नकल होती है और भू नक्शा होता है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम आपको आज बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे वो क्रोम हो, चाहे मोजिला हो, चाहे फायरफॉक्स हो। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है सर्च टैब में भू लेख। क्या लिखना है? भू लेख। भू लेख पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है भू लेख का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा भू लेख का। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन ये शो कर रहा है राजस्व ग्राम खेतौनी का कोड जाने। उसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा भूखंड घाटे का यूनिक कोड जाने। तीसरा आपको शो कर रहा है ये भूखंड घाटे के वाद ग्रस्त होने की स्थिति जान सकते हैं यहां से आप। उसके बाद भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति, मतलब कब जमीन जो है बिकी है, मतलब विक्रय हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप खेतौनी की जो नकल है आप वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो खेतौनी है उसमें कितना कितनी जमीन है। उसके बाद आप यहाँ पर राजस्व ग्राम की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है निष्क्रांत संपत्ति, जो यहाँ पर नष्ट हो चुकी है संपत्ति। उसके बाद यहाँ पर शत्रु की जो संपत्ति है आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो राजकीय आस्थान यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है रियल टाइम खेतौनी की नकल देखें। रियल टाइम का मतलब जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है रियल टाइम खेतौनी डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो रियल टाइम की खेतौनी है आप उसे चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, भू लेख जो नक्शा है उसके बारे में जानना है। उसके बारे में जानने के लिए हमें यहाँ पर खेतौनी अभिलेख नकल देखने पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने ये एक कैप्चे को फिल करना होगा। यहाँ पर हम कैप्चे को फिल कर ले रहे हैं। कैप्चे को फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है जनपद चुने। जनपद का मतलब जो भी आपका ज़िला लगता होगा उसे आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन है आपका जो भी तहसील लगता होगा, यहाँ पर तहसील को चूज कर लेंगे। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है ग्राम, जो भी आपका ग्राम मौजा होगा आप उसे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो गया। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि खसरा नंबर या गाटा संख्या से। यदि आपके पास खसरा नंबर या गाटा नंबर है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये शो कर रहा है कि आपके पास यदि खाता नंबर है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तीसरा नंबर आपके सामने ये खुला हुआ है खातेदार के नाम के द्वारा खोजें, मतलब यदि आपके पास खाता नंबर, गाटा नंबर, खसरा नंबर नहीं है तो आप यहां पर कैंडिडेट का जो भी नाम है, जिसके नाम खेतौनी है, उसके नाम से यहां से खोज सकते हैं। और यहां पर लास्ट ऑप्शन है कि दिनांक से भी खोज सकते हैं। दिनांक का मतलब जिस डेट को आपका ये इशू हुआ था, मतलब जिस डेट को आपके नाम ज़मीन चढ़ गई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ गाटा नंबर से चेक करना है, तो यहाँ पर आप अपना गाटा नंबर लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हम गाटा नंबर से निकालना चाहते हैं तो यहाँ हम अपना गाटा नंबर डालेंगे।
गाटा नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये दो ऑप्शन आ गए हैं, जिसमें से आपको निकालना, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद उद्धरण देखने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। उसके बाद इस कैप्चे को फिल कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर दो गाटे कहने का मतलब दिखा रहे हैं, एक 26 का एक 32। तो आपको जिस भी गाटे का यहाँ पर नक्शा निकालना है आपको उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है भूखंड गाटे की ई कोर्ट में स्थिति जाने। सेकंड ऑप्शन है भूखंड गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने। तीसरा ऑप्शन है भूखंड गाटे के विक्रय की स्थिति, यहाँ से आप जान सकते हैं। चौथा ऑप्शन है भूखंड गाटे का भू नक्शा देखें। तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें नक्शा निकालना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जिस भी गाटे का भू नक्शा निकालना है उस गाटे पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, भूखंड गाटे का भू नक्शा देखें। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये लोडिंग है चल रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो नक्शा है यहाँ पर लोड हो चुका है। अब यहाँ से आप इसे बहुत ही आसान तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका हमने आपको आज बताया है भू नक्शा निकालने का। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।